भक्ति भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। इज देयर लाइफ आफ्टर डेथ? मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है, चेतना कहां जाती है, उसका क्या होता है? क्या मृत्यु के बाद जीवन पूर्णतया समाप्त हो जाता है? जो लोग नहीं परमात्मा में विश्वास करते, जो लोग नहीं आत्मा का स्वीकार करते, उनके लिए प्रेत योनि जैसी कोई बात नहीं है, उनके लिए परलोक जैसी कोई बात नहीं है, उनके लिए परमात्मा जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है, उसका क्या होता है, कितने दिन पर्यंत वहां भटकती रहती है, इसलिए अंत्येष्टि संस्कार और उसके बाद श्राद्धादि की विधि है। मृत्यु के बाद 3 साल बीत जाते हैं, फिर वो पितर योनि में विधिपूर्वक प्रवेश करती है वो आत्मा। पिता की मृत्यु हुई हो, माता की मृत्यु हुई, 3 साल के बाद पितर योनि में उसका प्रवेश होता और फिर पितृपक्ष में उनके निमित्त श्राद्ध होता। वैसे तो पितृपक्ष में ही श्राद्ध हो ऐसा नहीं, श्राद्ध तर्पण नित्य होना चाहिए। गृहस्थ आदमी ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ, ये 5 यज्ञ नित्य करें, ये शास्त्र का विधान है। तो पितर यज्ञ का मतलब है पितरों का तर्पण, रोज तर्पण होना चाहिए, रोज संध्या वंदन, गायत्री जप, वेदाध्ययन, ये ब्रह्म यज्ञ हो गया। देव पूजन करो, घर में देवताओं की पूजा इत्यादि करो, देव यज्ञ करो, देवताओं के निमित्त हवन करो, आहुति दो, पितर यज्ञ पितरों का तर्पण करो, भूत यज्ञ कुत्ते को भी रोटी खिलाओ, गाय को घास खिलाओ, पंछियों को दाना चुकाओ, ये भूत यज्ञ है। और घर आए अतिथि को देव मान करके उसकी आवभगत करो, उसको रोटी खिलाओ, घर आए भिक्षु को भी खाली हाथ मत जाने दो, उसको कुछ न कुछ दो, ये मनुष्य यज्ञ है। प्रत्येक गृहस्थ को ये 5 यज्ञ नित्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गृहस्थ 5 प्रकार से पाप नित्य करता है। 5 ठिकाने पाप के हैं, चक्की, चूल्हा, ओखली, पानी छानना, पानी को छान कर पीते हैं, और बुहारी लगाना। इन 5 कार्यों में जीव हिंसा होती है, अनजाने में भी हो जाती है। चक्की चलाते समय, चूल्हा जलाते समय, ओखली कूटते समय, पानी छानते समय और बुहारी लगाते समय जीव हिंसा होती है। उस पाप के प्रायश्चित के लिए प्रत्येक गृहस्थ को ये 5 यज्ञ नित्य करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का विधान है। कई लोग ऐसी दलील करते हैं कि आजकल लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, अब कहां बुहारी लगाते हैं, अब तो वैक्यूम क्लीनर आ गए, अब कहां चूल्हा जलाते हैं, अब तो बिजली वाले चूल्हे आ गए। अरे भाई, लाइफस्टाइल चेंज हो गई है तो इसका मतलब पाप नहीं करते, ऐसी बात नहीं। लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, उसके साथ साथ पाप स्टाइल भी चेंज हो गई है, अब अलग ढंग से पाप करते हैं, पेस्ट कंट्रोल नहीं कराते घर में, जीव हिंसा होती है कि नहीं, मच्छर मारने के बेट घर में है, मच्छर के साथ बैडमिंटन जैसे खेल रहे, तो जीव हिंसा तो होती है।
प्रायश्चित करना चाहिए, नित्य पंच यज्ञ करना चाहिए, ये हमारे शास्त्रों का कथन है। तो वैसे तो तर्पण रोज हो, लेकिन पितृपक्ष में विशेष रूप से पितरों का तर्पण हो।